अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बेचारे पार्टी के घर बैठे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही है बेचारों को। ठीक है, तो अभी मेहनत करना चाह रहे हैं कि हम क्या काम करें, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा है, दिन चल रहे हैं, कोई जॉब नहीं मिलती बंदे को। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने क्या किया, आपने FSC की है, मैट्रिक की है, कोई भी स्टडी किया, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपने अप्लाई किया, आपको जॉब बिल्कुल नहीं मिल रही। ठीक है, या आपके मार्क्स कम है, अगर मार्क्स हैं तो जॉब नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए आप फर्स्ट नंबर पे तो ये कर सकते हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्टडी है, आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करें। शेयर करने पे भी आपको पैसे मिलेंगे यार। आप में जब खुद में टैलेंट है तो आप क्यों जा रहे हो जॉब के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, जब आपके पास अपना टैलेंट है, स्टडी है, एजुकेशन है, नॉलेज है, तो आप क्यों नहीं उसको इस्तेमाल कर रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, एक वाइट बोर्ड ले, अगर आप FSC मैटर कुछ भी है ना, अच्छी हैंड राइटिंग है, कुछ भी है, आप 5 के गैस दे सकते हैं, 8 के गैस निकाल के दे सकते हैं मैटर के नीचे। ठीक है, स्टडी के रिलेटेड बना लें, न्यू जॉब्स आती हैं उसके रिलेटेड चैनल बना लें। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन ट्यूशन रख लें। ठीक है, अगर FSC है, कोई भी है, BA है, कुछ भी आपने किया है, तो अपने टैलेंट के मुताबिक आप जो है ट्यूशन दे सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगर ट्यूशन नहीं मिल रही, एग्जाम्पल के तौर पे, फ्री बैठने से अच्छा होता है कुछ ना कुछ इंसान को मिल जाए। ठीक है, जब बंदा मेहनत करता है ना, स्टार्टिंग में मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला जो है इंसान की मदद फरमा देते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक जो है इंसान की मदद फरमाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक चैनल बनाएं यूट्यूब का, उसके ऊपर अपना नॉलेज शेयर करें। आपने कोई डिग्री हासिल की हुई है, उसके मुताबिक अपना नॉलेज शेयर करें, आप उसके गेस्ट पेपर दे दें, आप अपनी एजुकेशन के नीचे वालों को हेल्प करें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि मैट्रिक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर को किस तरह से लिखना है, नेम किस तरह से लिखना है, हमने मरूजियाँ किस तरह से हल करनी है, मरूजियों का टाइम कितना होगा, पेपर का टाइम कितना होगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, अभी ये आपको बातें मेरी फर्जी लग रही होंगी, लेकिन जाके यूट्यूब के ऊपर पहले ये चीज़ को सर्च करें। आप भी शायद सर्च करते रहे हों, मैं खुद करता रहा हूँ। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं खुद ये चीज़ सर्च किया करता था कि हम किस तरह से पास हो सकते हैं, पेपर को हल किस तरह से करना है, पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है, हमने पेपर स्टार्ट किस तरह से करना है, और एक शीट के ऊपर कितने क्वेश्चन लिखने हैं, हमें कोई गेस्ट पेपर मिल जाए, हमें न्यूमेरिकल का पता चल जाए, हमें कोई मसले का पता चल जाए, हमें किसी थ्योरी का पता चल जाए, हमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाए। आप ये कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और एक बुक उठा लें, एक कापी पेंसिल उठा लें, चले आप वाइट बोर्ड भी नहीं लेते, ठीक है, एक कापी पेंसिल बना लें, उठा लें, एक पेन उठा लें, ठीक है, पेन और एक रजिस्टर उठा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 10 मिनट लगाने हैं, 15 मिनट लगाने हैं, 5 मिनट लगाने हैं, एक चैप्टर ले लें, उसमें से चैप्टर वाइज करते जाएं। जब चैप्टर वाइज करोगे, लोग आपकी वीडियो और भी ज़्यादा पसंद करेंगे, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, एक रजिस्टर उठाना है, एक पेन उठाना है, आपने चैप्टर ओपन करना है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने रजिस्टर पर लिखते जाना है। ठीक है, साथ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लें मोबाइल की, आपने रजिस्टर पर लिखते जाना है। ठीक है, और साथ साथ बताते जाना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाजमी है, मरूजी की नस्बत से, शॉर्ट क्वेश्चन की नस्बत से, लॉन्ग क्वेश्चन की नस्बत से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बना सकते हैं इजीली, ये तो प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट की। जब आपको कोई डिग्री मिल जाती है तो आप छोटी क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप और काम कर सकते हैं ऑनलाइन, आप किसी का वर्क कंप्लीट करके दे सकते हैं, आप किसी को, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आप हैंड राइटिंग के बारे में बता सकते हैं, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, मोबाइल के बारे में कोई चीज़ बता सकते हैं, आप कोई भी चीज़ उनको समझा सकते हैं इजी तरीके के साथ, आपको कोई टेंशन बनने वाली नहीं है। सिर्फ क्या है, फर्स्ट जो है आपको शर्म आती है, आप लोगों को शर्म की वजह से कुछ कर नहीं पाते आप लोग। उसके बाद अगर आपका कोई ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप शौक रख रहे हैं, तो कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूँ, ठीक है, मतलब YouTube के अलावा, YouTube की बात ख़त्म, आप वो पार्ट टाइम में साथ कर सकते हैं, उसके साथ आप पार्ट टाइम को काम करना चाह रहे हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आपको मैं ये तरीका समझा दूं कि आपने YouTube को किस तरह से स्टार्ट करना है, और YouTube के प्रिसेट के खिलाफ वर्जी नहीं करनी, मतलब कि हमने किसी का साउंड वगैरह यूज़ नहीं करना, उसके अंदर हमारे ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, और कम से कम डेली हम एक वीडियो अपलोड करें, अगर एक नहीं तो दो वीडियो तो लाजमी करें ना, मतलब दो वीडियो करें, अगर दो नहीं तो एक लाजमी करें। ठीक है, एक सुबह को कर दी, एक शाम को कर दी हम लोगों ने वीडियो,
तो उसके बाद जब आपका चैनल हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, जब इंशाल्लाह आपकी मतलब 50+ वीडियोस आपकी हो जाएंगी, 50 वीडियो तक आपने ये नहीं सोचना कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आपने 50 वीडियो इस तरह की डालनी है, आपका कंटेंट इस तरह के होना चाहिए, आपका ट्रेंड के मुताबिक होना चाहिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम आ रहे हैं, एफ़ ए के आ रहे हैं, एफ़ एस सी के आ रहे हैं, ICS के आ रहे हैं, आपने उसके गेस्ट पेपर बना देने हैं, पेपर हल करने का तरीका बता देना, डेट शीट का तरीका बता देना, एग्ज़ाम डेट का तरीका बता देना, डी जी खान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कोई भी आपका कंट्री है उसके मुताबिक, बोर्ड के मुताबिक, कोई भी बोर्ड है आप उसके मुताबिक वीडियो बनाए इंशाल्लाह। जब आपकी वीडियो सर्चिंग में आएगी, आपने कीवर्ड उसमें इस तरह के चूज़ करने हैं कि जो आपकी वीडियो सर्चिंग में है। अब कीवर्ड किस तरह के चूज़ करने हैं आप लोगों ने, वो आपको तरीका समझा देता हूँ मैं। कीवर्ड इस तरह का चूज़ करने हैं, जैसे आप कल रिजल्ट है, मैट्रिक रिजल्ट है, ठीक है, तो अब मैं सर्च करूँगा मैट्रिक रिजल्ट, मैं सर्च करूँगा मैट्रिक रिजल्ट अनाउंस डेट, मतलब कब अनाउंस हो रहा है, तो इस तरह के मैंने कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट आप इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊँगा कि ब्लॉगिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं।